अथ पञ्चाशत्तमोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच अहन्यहनियः कुर्यात् क्रियां सो ज्ञानमाप्नुयात्। ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय धर्ममर्थं च चिन्तयेत्। चिन्तयेद् हृदि पद्मस्थो मानन्दमजरं हरिम्। उषः काले तु सम्प्राप्ते कृत्वा चावश्यकं बुधः। स्नायान्नदीषु शुद्धासु शौचं कृत्वा यथाविधि। प्रातःस्नानेन पूयन्ते येऽपि पापकृतो जनाः। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन प्रातःस्नानं समाचरेत्। प्रातःस्नानं प्रशंसन्ति दृष्टादृष्टकरं हि तत्। सुखात् सुप्तस्य सततं लालाद्याः संश्रवन्ति हि। अतो नैवाचरेत् कर्माण्यकृत्वा स्नानमादितः। अलक्ष्मीः कालकर्णी च दुःस्वप्नं दुर्विचिन्तितम्। प्रातःस्नानेन पापानि धूयन्ते नात्र संशयः। न च स्नानं विना पुंसां प्राशस्त्यं कर्म संस्मृतम्। होमे जप्ये विशेषेण तस्मात् स्नानं समाचरेत्। अशक्तावशिरस्कं तु स्नानमस्य विधीयते। आर्द्रेण वाससा वापि मार्जनं कायिकं स्मृतम्। ब्राह्ममाग्नेयमुद्दिष्टं वायव्यं दिव्यमेव च। वारुणं यौगिकं तद्वत् षडङ्गं स्नानमाचरेत्। ब्राह्मं तु मार्जनं मन्त्रैः कुशैः सोदकबिन्दुभिः। आग्नेयं भस्मनापादमस्तकाद्देहधूननम्। गवां हि रजसा प्रोक्तं वायव्यं स्नानमुत्तमम्। यत्तु सातपवर्षेण स्नानं तद्दिव्यमुच्यते। वारुणं चावगाहं च मानसं त्वात्मवेदनम्। यौगिकं स्नानमाख्यातं योगेन हरिचिन्तनम्। आत्मतीर्थमिति ख्यातं सेवितं ब्रह्मवादिभिः। क्षीरवृक्षसमुद्भूतं मालतीसम्भवं शुभम्। अपामार्गं च विल्वं च करवीरं च धावने। उदङ्मुखः प्राङ्मुखो वा भक्षयेद्दन्तधावनम्। प्रक्षाल्य भुक्त्वा तज्जह्यात्शुचौ देशे समाहितः। स्नात्वा सन्तर्पयेद्देवान् ऋषीन् पितृगणांस्तथा। आचम्य विधिवन्नित्यं पुनराचम्य वाग्यतः। सम्मार्ज्य मन्त्रैरात्मानम् कुशैः सोदकबिन्दुभिः। आपोहिष्ठाव्याहृतिभिः सावित्र्या वारुणैः शुभैः। ओङ्कारव्याहृतियुतां गायत्रीं वेदमातरम्। जप्त्वा जलाञ्जलिं दद्यात् भास्करं प्रति तन्मनाः। प्राक्कूलेषु ततः स्थित्वा दर्भेषु सुसमाहितः। प्राणायामं ततः कृत्वा ध्यायेत् सन्ध्यामिति श्रुतिः। या सन्ध्या सा जगत्सूतिर्मायातीता हि निष्कला। ऐश्वरी केवला शक्तिस्तत्त्वत्रयसमुद्भवा। ध्यात्वा रक्तांसितां कृष्णां गायत्रीं वै जपेद्बुधः। प्राङ्मुखः सततं विप्रः सन्ध्योपासनमाचरेत्।
संध्याहीनो शुचिर्नित्य मनरह सर्वकर्मसु यदन्यत् कुरुते किञ्चिन् न तस्य फलभाग् भवेत् अनन्यचेतसः संतो ब्राह्मणा वेदपारगाः उपास्य विधिवत् संध्यां प्राप्ताः पूर्वपरां गतिं योऽन्यत्र कुरुते यत्नं धर्मकार्ये द्विजोत्तमः विहाय संध्या प्रणतिं स याति नरकायुतं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन संध्योपासनमाचरेत् उपासितो भवेत्तेन देवो योगतनुः परः सहस्रपरमां नित्यां शतमध्यां दशावराम् गायत्रीं वै जपेद् विद्वान् प्राङ्मुखः प्रयतः शुचिः अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयस्थं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुः सामसंहितैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरम् कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्धानमभिमन्त्रितः ॐ खखोल्काय शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमा मापो ज्योतिरसोमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वो रुद्रः सनातनः एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवनमुत्तमं प्रातःकाले च मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य बह्निं विधिवज्जुहुयाज्जातवेदसम् ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयाद्वा यथाविधि विना मन्त्रेण यत्कर्म नामुत्रेह फलप्रदम् दैवतानि नमस्कुर्याद् उपहारान्निवेदयेत् गुरुं चैवाप्युपासीत हितं चास्य समाचरेत् वेदाभ्यासं ततः कुर्यात् प्रयत्नाच्छक्तितो द्विजः जपेद्वाध्यापयेत् शिष्यान् धारयेद्वै विचारयेत् अवेक्षेत च शास्त्राणि धर्मादीनि द्विजोत्तमः वैदिकांश्चैव निगमान् वेदाङ्गानि च सर्वशः उपेयादीश्वरं चैव योगक्षेमप्रसिद्धये साधयेद् विविधानर्थान् कुटुम्बार्थं ततो द्विजः ततो मध्याह्नसमये स्नानार्थं मृदमाहरेत् पुष्पाक्षतांस्तिलकुशान् गोमयं शुद्धमेव च नदीषु देवखातेषु तडागेषु सरस्सु च स्नानं समाचरेन्नैव परकीये कदाचन पञ्चपिण्डाननुद्धृत्य स्नानं दुष्यन्ति नित्यशः मृदैकया शिरः क्षाल्यं द्वाभ्यां नाभेस्तथोपरि अधश्च तिश्रिभिः क्षाल्यं पादौ षड्भिस्तथैव च मृत्तिका च समुद्दिष्टा वृद्धामलकमात्रिका गोमयस्य प्रमाणं तु तेनाङ्गं लेपयेत्ततः प्रक्षाल्याचम्यभिधिवत् ततः स्नायात् समाहितः
लेपयित्वा तु तीरस्थ स्थल्लिङ्गैरेव मन्त्रतः अभिमन्त्र्य जलं मन्त्रैरालिङ्गैर्वारुणैः शुभैः स्नानकाले स्मरेद्विष्णु मापो नारायणो यतः प्रेक्ष्य ओंकारमादित्यं त्रिर्निमज्जेज्जलाशये आचान्तः पुनराचामेत् मन्त्रेणानेन मन्त्रवित् अन्तश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखः त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योतिरसोमृतम् द्रुपदाम्बा त्रिरभ्यस्येद्व्याहृतिप्रणवान्विताम् सावित्रीम्बा जपेद्विद्वांस्तथा चैवाघमर्षणम् ततः सम्मार्जनम् कुर्याद् आपो हिष्ठामयो भुवः इदमापः प्रवहत व्याहृतिभिस्तथैव च ततोऽभिमन्त्रितम् तोय मापोहिष्टादिमन्त्रगैः अन्तर्जलमवाङ्मग्नो जपेत्रिरघमर्षणम् द्रुपदाम्बाथ सावित्रीम् तद्विष्णोः परमम् पदम् आवर्तयेद्वा प्रणवम् देवदेवम् स्मरेद्धरिम् अथोपतिष्ठेदादित्य मूर्ध्वपुष्पान्विताञ्जलिम् प्रक्षिप्यालोकयेद्देव मुदयन्तम् न शक्यते उदुत्यम् चित्रमित्येवम् तच्चक्षुरिति मन्त्रतः हंसः शुचिषदे तेन सावित्र्या च विशेषतः अन्यैः सौरैर्वैदिकैश्च गायत्रीम् च ततो जपेत् मन्त्रांश्च विविधान् पश्चात् प्राक्कूले च कुशासने तिष्ठंश्च वीक्षमाणोऽर्कम् जपम् कुर्यात् समाहितः स्फटिकाब्जाक्षरुद्राक्षैः पुत्रजीवसमुद्भवैः कर्तव्या त्वक्षमाला स्याद् अन्तरा तत्र सा स्मृता यदि स्यात् क्लिन्नवासा वै बारिमध्यगतश्चरेत् अन्यथा च शुचौ भूम्याम् दर्भेषु च समाहितः प्रदक्षिणम् समावृत्य नमस्कृत्य ततः क्षितौ आचम्य च यथाशास्त्रम् शक्त्या स्वाध्यायमाचरेत् ततः सन्तर्पयेद्देवान् ऋषीन् पितृगणांस्तथा आदावोङ्कारमुच्चार्य नमोऽन्ते तर्पयामि च देवान् ब्रह्मऋषींश्चैव तर्पये दक्षतोदकैः पितॄन् देवान् मुनीन् भक्त्या स्वसूक्त्रोक्तविधानतः देवर्षींस्तर्पयेद्धीमान् उदकाञ्जलिभिः पितॄन् यज्ञोपवीती देवानाम् निवीतीर्षितर्पणे प्राचीनावीति पित्र्ये तु तेन तीर्थेन भारत निष्पीड्य स्नानवस्त्रम् वै समाचम्य च वाग्यतः स्वैर्मन्त्रैरर्चयेद्देवान् पुष्पैः पत्रैस्तथाम्बुभिः ब्रह्माणम् शङ्करम् सूर्यम् तथैव मधुसूदनम् अन्यांश्चाभिमतान् देवान् भक्त्या चाक्रोधनोहर प्रदद्याद्वाथ पुष्पादि सूक्तेन पुरुषेण तु आपो वा देवताः सर्वास्तेन सम्यक् समर्चिताः ध्यात्वा प्रणवपूर्वम् वै देवम् वारिसमाहितः नमस्कारेण पुष्पाणि
विन्यसेद्वै पृथक् पृथक् नर्तेह्याराधनात् पुण्यं विद्यते कर्म वैदिकम्। तस्मात् तत्रादिमध्यान्ते चेतसा धारयेद्धरिं तद्विष्णोरिति मन्त्रेण सूक्तेन पुरुषेण तु। निवेदयेच्च आत्मानं विष्णवे मलतेजसे तदाध्यात्ममनाः शान्तस्तद्विष्णोरिति मन्त्रतः। अप्रेते सशिराबेति यजेत्त्वा पुष्पके हरिं देवयज्ञं भूतयज्ञं पितृयज्ञं तथैव च मानुषं ब्रह्मयज्ञं च पञ्चयज्ञान् समाचरेत्। यदि स्यात्तर्पणादर्वाक् ब्रह्मयज्ञं कुतो भवेत्। कृत्वा मनुष्ययज्ञं वै ततः स्वाध्यायमाचरेत्। वैश्वदेवस्तु कर्तव्यो देवयज्ञः स तु स्मृतः भूतयज्ञः स वै ज्ञेयो भूतेभ्यो यत्स्वयं बलिः। श्वभ्यश्च श्वपचेभ्यश्च पतितादिभ्य एव च दद्याद्भूमौ बहिस्त्वन्नं पक्षिभ्यश्च द्विजोत्तमः। एकं तु भोजयेद् विप्रं पितॄन् उद्दिश्य सत्तमाः नित्यश्राद्धं तदुद्दिश्य पितृयज्ञो गतिप्रदः। उद्धृत्य वा यथाशक्ति किञ्चिदन्नं समाहितः वेदतत्त्वार्थविदुषे द्विजायैवोपपादयेत्। पूजयेदतिथिं नित्यं नमस्येदर्चयेद्विजं मनोवाक्कर्मभिशान्तं स्वागतैः स्वगृहं ततः। भिक्षामाहुर्ग्रासमात्र मन्नं तत्स्याच्चतुर्गुणं पुष्कलं हन्तकारं तु तच्चतुर्गुणमुच्यते। गोदोहमात्रकालं वै प्रतीक्ष्योऽयतिथिः स्वयं अभ्यागतान्यथाशक्ति पूजयेदतिथिं तथा। भिक्षां वै भिक्षवे दद्यात् विधिवद्ब्रह्मचारिणे दद्यादन्नं यथाशक्ति अर्थिभ्यो लोभवर्जितः। भुञ्जीत बन्धुभिः सार्धं वाग्यतोन्नामकुत्सयन् अकृत्वा तु द्विजः पञ्च महायज्ञान् द्विजोत्तमः। भुञ्जते चेत् समूढात्मा तिर्यज्ञोनिं च गच्छति वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्त्या महायज्ञक्रियाक्षमाः। नाशयन्त्याशु पापानि देवानामर्चनं तथा यो मोहादथ बाल स्यात् अकृत्वा देवतार्चनम्। भुङ्क्ते स याति नरकान् सूकरेष्वेव जायते अशौचं संप्रवक्ष्यामि अशुचिः पातकी सदा। अशौचं चैव संसर्गाच्छुद्धिः संसर्गवर्जनात् दशाहं प्राहु राशौचं सर्वे विप्रा विपश्चितः। मृतेषु वाथ जातेषु ब्राह्मणानां द्विजोत्तम आदन्तजननात् सद्य आचूडादेकरात्रकम्। त्रिरात्रमौपनयनाद्दशरात्रमतः परम् क्षत्रियो द्वादशाहेन दशभिः पञ्चभिर्भिषः। शुद्ध्येन्मासेन वै शूद्रो यतीनां नास्ति पातकम् रात्रिभिर्मासतुल्याभिर्गर्भश्रावेषु शौचकम्। इति श्रीगारुडे महापुराणे पूर्वखण्डे प्रथमांशाख्ये आचारकाण्डे नित्यकर्माशौचयोर्निरूपणं नाम
पंचाशत्तमोऽध्यायः। अब 50वें अध्याय में नित्य क्रिया प्रणाली का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, जो मानव नित्य क्रिया करता है वह ज्ञान पा लेता है। ब्राह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करे। द्विज लोग प्रातः उठते ही हृदय कमल में स्थित सनातन प्रभु श्री हरि का ध्यान करें। तदनंतर शौचादि संपन्न करके सविधि आचमन करके पुण्य जलमयी नदी में स्नान करके पवित्र हो जाएं। इसलिए लोग प्रातः स्नान करके पापी होने पर भी पवित्र हो जाते हैं। तभी प्रयत्न पूर्वक प्रातः स्नान करना चाहिए। प्रातः स्नान दृष्ट अर्थात ऐहिक और अदृष्ट अर्थात पारलौकिक दोनों प्रकार के फलों को देता है। सभी इसकी प्रशंसा करते हैं। सुखपूर्वक शयनावस्था में जो लार आदि स्रवित होते रहते हैं उससे सभी के शरीर अपवित्र हो जाते हैं। स्नान किए बिना संध्या वंदना आदि कुछ भी करना विहित नहीं है। प्रातः स्नान करने से अलक्ष्मी पिशाच आदि की दृष्टि तथा दुःस्वप्न दुश्चिंता आदि पापपूर्ण स्थितियां सब धुल जाती हैं। यह निस्संदिग्ध है कि स्नान किए बिना मनुष्य के द्वारा किए गए जप होम आदि कर्म प्रशस्त नहीं माने जाते। अतः विशेषतया प्रातः स्नान करे। जो जल में डुबकी लगाकर स्नान करने में अशक्त हैं वे बिना सिर डुबोए स्नान करें। गीले वस्त्र से शरीर पोंछने से भी स्नान सिद्ध हो जाता है। यह कायिक स्नान है। स्नान 6 प्रकार के कहे गए हैं, जैसे ब्राह्म स्नान, आग्नेय, वायव्य, दिव्य, वारुण और यौगिक। पात्रों के अनुसार इन 6 प्रकार के स्नानों का विधान किया गया है। जो मंत्र पाठ करते हुए कुश द्वारा अंगों पर जल बिंदु छिड़कता है वह ब्राह्म स्नान है। मस्तक से लगाकर पैर तक भस्म से शरीर को मलना यही भस्म स्नान है। गोबर से अंग मार्जन ये वायव्य स्नान है। अपने पूरे देह में धूप लगने देना यह दिव्य स्नान है। जल में डुबकी लगाकर नहाना यह वारुण स्नान है। योग चिंतन ध्यान द्वारा श्री हरि का चिंतन करना यह यौगिक स्नान है। ब्रह्मवादी गण आत्मा को तीर्थ मानते हैं तथा उसका ही ध्यानादि सेवन करने से शुद्धि हो जाती है। जिस वृक्ष की शाखा अथवा पत्ती तोड़ने पर दूध निकले वह क्षीरी वृक्ष होता है। क्षीरी वृक्ष गूलर की लकड़ी, मालती की लकड़ी, अपामार की लकड़ी, कनेर की लकड़ी अथवा बिल्लू की लकड़ी से उत्तर मुख किंबा पूर्व मुख होकर दंत धावन करे। तदनंतर समाहित मन होकर मुख धोकर स्वच्छ करना चाहिए। इसके अनंतर शुद्ध जगह पर दतवन फेंके। इसके बाद नहाकर देवता ऋषि तथा पितरों के लिए तर्पण करें। संयत वाणी होकर सविधि आचमनोपरांत पुनराचमन का नियम पालन करें। इसके पश्चात कुशाग्र से देह पर जल के छींटे देकर अंगों का मार्जन करना चाहिए। उस समय आपोहिष्ठा इत्यादि मंत्र से आपोमार्जन कार्य संपन्न करना चाहिए। इसके अनंतर सविधि ओम भूर्भुवः स्वः इन वेद माता गायत्री को जपे। तब एकाग्रता के साथ सूर्य देव को जल अर्पित करे। इसे जलांजलि कहा जाता है। स्नान के उपरांत किनारे आकर कुशासन पर बैठे तथा संयत होकर प्राणायाम करके सावित्री का ध्यान करें।
वेदों में इसे ही संध्या का नाम दिया गया है। यह संध्या माया से अतीत निष्कला जगत की उत्पत्ति रूप सत्व रज तम रूप तीनों सत्वों से संभूत ईश्वरी शक्ति है। ब्राह्मण तथा द्विजों को चाहिए कि वे प्रातः स्नानादि के उपरांत रक्तवर्णा गायत्री का ध्यान करें, मध्यान्न में श्वेतवर्णा गायत्री का तथा सायान्न में कृष्णवर्णा गायत्री का जप करें। सदा पूर्व मुखी होकर विप्र तथा द्विज संध्योपासना कर्म संपन्न करें। जो द्विज संध्या रहित हैं वे सर्वदा अपवित्र हैं, उनको किसी दैव पितृ कार्य में अधिकार नहीं होता, उसे किसी कार्य का भी फल लाभ नहीं होता। पूर्व काल में शांत चित्त वाले वेदज्ञ ब्राह्मण एकाग्रचित्त होकर सविधि संध्या उपासना करते थे, उससे उनको उत्तम गति लाभ होता था। जो कोई विप्र संध्योपासना त्याग कर अन्य धर्म कार्य में लगता है उसे नरक की प्राप्ति होती है, उसे 10,000 नरकों में यातना भोग करना पड़ता है। इसलिए सभी प्रकार के यत्न द्वारा संध्योपासन करे, इससे उस व्यक्ति के प्रति देवता प्रसन्न हो जाते हैं। बुद्धिमान ब्राह्मण को चाहिए कि वह पूर्व मुखी होकर आसन पर बैठे तथा एकाग्र होकर पवित्र मन से 1,000 अथवा 100 अथवा 10 गायत्री जपे। सहस्र जप का श्रेष्ठ फल है, 100 जप का मध्यम फल है तथा 10 बार जप करने का अधम फल मिलेगा। इसके पश्चात संयत होकर ऋग्यजुस्साम वेद के मंत्रों द्वारा उदित हो रहे भगवान सूर्य की उपासना की जाए। महायोगमय देवदेव दिवाकर की उपासना करके मंत्र पाठ के साथ साधक भूमि पर मस्तक रखकर उनको प्रणाम करे। तब यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे सूर्यदेव, आप शांत मूर्ति हैं, तीनों कारणों के भी कारण हैं, आप ज्ञान रूप हैं, मैं आपको प्रणाम करके अपने को समर्पित करता हूँ। हे प्रभु, हे दिवाकर देव, आप ही परम ब्रह्म, आप ज्योति रस और अमृत हैं, आप ही भूर्भुवः स्वः मंत्र रूपी हैं, आप ओंकार रूप एकादश रुद्र तथा सनातन हैं। इस सूर्य हृदय स्तव का पाठ प्रातः मध्यान्न तथा सायान्न में करके सूर्य देव को प्रणाम करना चाहिए। तदनंतर ब्राह्मण घर आकर पुनः सविधि आचमन करे। इसके पश्चात नियमानुरूप विधान से अग्नि प्रज्वलित करके होम करे। होम कार्य यदि स्वयं न कर सके तब अपने पुरोहित पुत्र पत्नी शिष्य अथवा भाई भी उसकी आज्ञा द्वारा यह होम कार्य कर सकते हैं। नियम तथा मंत्र रहित विधान रहित कोई भी कार्य इस लोक में तथा परलोक में फलप्रद नहीं होता। होमांत में देवताओं को प्रणाम करें तथा उनको नाना प्रकार का उपहार निवेदित करें। तत्पश्चात गुरुदेव की भी पूजा करके उनकी हित साधना करनी चाहिए। इसके पश्चात ब्राह्मणगण यत्नतः वेद पाठ तथा इष्ट मंत्र का जप करें। जप के पश्चात शिष्यों का अध्यापन कार्य करें। ब्राह्मणों को चाहिए कि वे धर्मशास्त्रों को पढ़कर वैदिक निगम ग्रंथ तथा वेदादि शास्त्रों का भी अवलोकन करें। वे इस प्रकार से ईश्वर चिंतन के उपरांत कुटुंब के भरण पोषणार्थ अर्थ का उपार्जन करें। वह व्यक्ति साधक पूजक पुनः मध्यान्ह काल में स्नान हेतु मिट्टी लाए, पुष्प अक्षत तिल कुश गोमय आदि द्रव्य लेकर आए और नदी देवखात तड़ाग सरोवर में स्नान करना चाहिए। कदापि दूसरे के पोखरे में स्नान न करे। पराये पोखरे में स्नान करने पर स्नानार्थी 5 मिट्टी के पिंड पोखरे में से निकालकर
तब स्नान करे। पांच, मिट्टी का पिंड पराए पोखरे से निकाले बिना जो उसमें नहाता है वह स्नान शुद्धिदायक नहीं होता। स्नान के समय मृत्तिका से अंग शोधन करना चाहिए, यह नियम है। मिट्टी एक बार मस्तक पर, दो बार उसके ऊपर नाभि के नीचे तथा तीन बार दोनों पैरों पर और छह बार मिट्टी का लेपन करके अंगों को धोए। एक आमल की जितनी मिट्टी एक बार में लेनी चाहिए। इसी के बराबर गोबर लेकर उसका अंगों में लेपन करे। मंत्र का ज्ञाता ब्राह्मण स्नान के पश्चात जल के किनारे जाए तथा मिट्टी से अंग लिप्त करके जल को वारुण मंत्र से अभिमंत्रित करे तथा उससे शरीर धोए। स्नान के समय जल का स्मरण विष्णु रूपेण करना चाहिए। जल तो नारायण का ही स्वरूप होता है। इसके बाद मंत्र जानने वाला ब्राह्मण ओम का उच्चारण करके सूर्य का दर्शन करे तथा तीन बार जलाशय में डुबकी लगाए, अंतश्चरसी इत्यादि मंत्र बोलकर पुनः आचमन करे। मंत्र है, हे जल, तुम सभी प्राणीगण के अंतर स्थित गुहा में अवस्थान करते हो। तुम्हारी गति सर्वत्र रहती है। तुम यज्ञ हो, तुम ही वषटकार रूपी मंत्र हो, ज्योतिर्मय तथा समस्त रसाधार हो। इसके पश्चात ओम द्रुपदादिव इत्यादि मंत्र का तीन पाठ करने के अनंतर ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री का जप करे। यह करने के पश्चात अघमर्षण जप करके आपोहिष्ठा इत्यादि मंत्र द्वारा साधक को सम्मार्जन कार्य संपन्न करना चाहिए। इदमापह प्रवहतः इत्यादि तथा भूर्भुवः स्वः इन दो मंत्रों से जल को मंत्रित करके ओम आपोहिष्ठा इत्यादि से तीन बार अघमर्षण जप करे। इसके पश्चात ओम द्रुपदादिभ इत्यादि मंत्र का पाठ करे और गायत्री एवं तद्विष्णोः परमं पदम इत्यादि का पाठ करना चाहिए। तदनंतर ओम का उच्चारण करते हुए हरिस्मरण करे। इसके अनंतर हथेली में जल लेकर उसे गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करने के पश्चात उस जल को अपने मस्तक पर गिराए। वह ब्राह्मण सर्व पाप रहित हो जाता है। द्विजगण नित्य प्रति संध्योपासना संपन्न करने के पश्चात आचमन करें तथा इष्ट चिंता करें। तब सिर पर हाथ उठाकर उन्हें जोड़कर सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। इस कार्य को सूर्योपस्थान कहते हैं। इसे करते समय पूजक की दृष्टि सदैव सूर्य के प्रति रहनी चाहिए। उदुत्यम इत्यादि, चित्रमित्येव इत्यादि, तच्चक्षुरिति इत्यादि तथा हंसः शुचिषद् इत्यादि मंत्रों से सूर्योपस्थान कार्य संपन्न करना चाहिए। इनके अतिरिक्त सूर्योपस्थान के अन्य वैदिक मंत्र हैं, उनसे सूर्य की उपासना करके गायत्री का जप करना होगा। विविध मंत्रों से यह कार्य संपन्न करके पूर्व मुख होकर कुशासन पर बैठे। वहां सूर्य का ध्यान करके विविध मंत्र जप करता हुआ समाहित होकर बैठे। स्फटिक, कमलगट्टा अथवा रुद्राक्ष अथवा पुत्रजीवी की माला से गायत्री जप करे। यह माला कुछ कुछ अंतर पर एक एक ग्रंथि देकर बनाए। यदि जपकर्ता के वस्त्र गीले हों तब वह खड़ा होकर जल में जप करे, अन्यथा कुशासन पर बैठकर एकाग्रता पूर्वक जप करे। तब भास्कर देव हेतु प्रदक्षिणा करके उनको दंडवत प्रणाम करने के पश्चात शास्त्रीय विधि से आचमन करके अपनी शक्ति जितनी हो उतना वेद पाठ तथा स्वाध्याय का कार्य करना चाहिए। इसके पश्चात देवता, ऋषि तथा पितरों का तर्पण करें। पहले ओमकार लगाकर तथा नमः कहकर तब नाम लेकर तर्पण करें,
यथा ओम नमः पितरीन तर्पयामि इत्यादि। अक्षत मिश्रित जल से देवता तथा ऋषि तर्पण करे। पितर देवता मुनि को अपने वेद शाखोक्त विधान से तर्पित करे। ऋषि तथा देवता अर्पण एक अंजलि जल से तथा पितृ तर्पण तीन अंजलि जल से करे। देवता तर्पण में यज्ञोपवीत वाम कंधे पर हो, पितृ तर्पण में यज्ञोपवीत दाहिने कंधे पर हो। ऋषि तर्पण काल में यज्ञोपवीत को मालावत लटकाए रखे। अंगुली का पहला भाग देवतीर्थ कहलाता है, इससे देव तर्पण करे। अंगूठा और तर्जनी के मध्य भाग यह पितृतीर्थ है, इससे पितरों का तर्पण किया जाए। और कनिष्ठा अंगुली का मूल काय तीर्थ है, इससे ऋषि तर्पण होता है। स्नान वस्त्र निचोड़ कर उस जल से तर्पण करके वाक संयम के साथ आचमन करना चाहिए। जिन देवताओं का पूजन करना हो उनके मंत्रों से पुष्प पत्र जल से उनकी पूजा करनी चाहिए। हे हर, ब्रह्मा शंकर सूर्य मधुसूदन तथा अन्य देवताओं की अर्चना भक्ति भाव के साथ क्रोध रहित होकर किया जाए। इसके बाद पुरुष सूक्त के मंत्र पढ़ते हुए पुष्पार्पण करे। जल तो सभी देवों से युक्त होता है, अतः सदैव जल का सम्मान करे। सभी देवताओं की अर्चना जल द्वारा होती है। साधक को चाहिए कि वह देवता का ध्यान करके ओमकार से देवता का नाम संयुक्त करके समाहित होकर उनका ध्यान करे। नमस्कारोपरांत सभी देवताओं को अलग-अलग पुष्पांजलि देनी चाहिए। वेदों के मतानुसार देवता की आराधना से बढ़कर कोई भी कर्म पुण्यप्रद नहीं है। अतः आदि मध्य अंत तीनों स्थिति में हरि को मन में धारण किए रहना चाहिए। साधक विष्णु ध्यान युक्त रहकर तद्विष्णोः परमं पदम् इत्यादि मंत्र द्वारा तथा पुरुषोक्त के मंत्रों द्वारा विमल तेजवान विष्णु के सामने अपना समर्पण करे। साधक विष्णु ध्यान तत्पर रहकर तथा तद्विष्णोः परमं पदम् इत्यादि मंत्र द्वारा तथा पुरुषोक्त द्वारा अपनी आत्मा विमल तेजस्वी विष्णु को अर्पित करे। साधक विष्णु ध्यान परायण होकर तद्विष्णोः परमं पदम् इत्यादि मंत्र से अभिमंत्रित होकर अथवा पुष्प को अभिमंत्रित करके नित्य देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ तथा ब्रह्म यज्ञ नामक पंच यज्ञों का अनुष्ठान करे। यदि तर्पण के अंत में मनुष्य यज्ञ किया जाए तब ब्रह्म यज्ञ नहीं हो सकता। अतः नियम यह है कि सर्वाग्र में ब्रह्म यज्ञ करके तब मानुष यज्ञ संपन्न करे और वेद पाठ आदि भी करे। ब्राह्मण वैश्वदेव में बलि अवश्य प्रदान करे। वैश्वदेव को देव यज्ञ कहते हैं, जिसमें प्राणियों हेतु अन्न की बलि दी जाती है। वह भूत यज्ञ है। आत्मीय स्वजनों, चांडाल आदि पतितों को भोजन देकर बाहर भूमि पर पक्षीगण को भोजन देना ही भूत बलि है। पितर के उद्देश्य से एक ब्राह्मण को भोजन देना चाहिए। नित्य पितृश्राद्ध पितरों के उद्देश्य से करे, यह पितृयज्ञ है। इसके बाद उस व्यक्ति को जो यह करता है उसको उत्तम गति मिलती है। अपनी शक्ति के अनुसार अन्न एकत्र करके वेद के तत्वज्ञाता ब्राह्मण को देना चाहिए। नित्य अतिथि सत्कार तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके उनकी अर्चना करनी चाहिए। मन वाणी और कर्म से शांत मन से उनका अपने गृह में स्वागत करना चाहिए। उनको एक ग्रास कम से कम अन्न देना ही चाहिए। 4 ग्रास अन्न देना उत्तम भिक्षा है, अथवा एक मुट्ठी अन्न देना भी चतुर्गुण फलप्रद है। किसी अतिथि के आने का इंतजार उतनी देर तक करना चाहिए जितनी देर में एक गऊ को दुहा जाता है।
गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी धन शक्ति के अनुसार घर आए अतिथि का सत्कार करे। गृहस्थाश्रमी व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसे भिक्षार्थी को जो ब्रह्मचारी हो सविधि भिक्षान्न देकर संतुष्ट करे। उसे लोभ रहित होकर अतिथि को अन्न देना चाहिए। इसके अनंतर गृहस्थाश्रमी मौनी स्थिति में अपने परिजनों के साथ भोजन करे। भोजन करते समय भोजन की निंदा कदापि नहीं करनी चाहिए। जो द्विज बिना पंच महायज्ञ किए भोजन करता है वह मूढ़ात्मा व्यक्ति पशु पक्षी आदि तिर्यक योनि में जन्म लेता है। जो इस महायज्ञ को संपन्न करने के अनंतर नित्य वेदाभ्यास करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है तथा उसे देवार्चन का फल मिलता है। जो पुरुष मोह तथा आलस्य के कारण देवार्चन आदि किए बिना भोजन करता है वह नरकगामी होकर तत्पश्चात शुकर योनि में जन्म लेता है। अब अशौच अपवित्रता का वर्णन करता हूँ। अपवित्र सदा पातकी होता है। उसका संसर्ग अशौच का कारण है। संसर्ग रहित होना ही पवित्रता है। ब्राह्मण के जन्म और मरण में 10 दिन का अशौच होता है। यही पुराने विद्वानों का कहना है। यदि बालक दांत उगने के पूर्व ही मृत हो जाए तब ज्ञातृवर्ग सद्यः अशौच रहित हो जाते हैं। यदि दांत उगने से लेकर चूड़ाकरण के पूर्व कोई बालक मृत हो तब एक रात्रि का अशौच ज्ञातृवर्ग को होता है। चूड़ाकरण से लेकर उपनयन के पूर्व बालक के मरण पर 3 रात का तथा उपनयन के पश्चात मृत होने पर 10 रात का अशौच होगा। यदि 1 मास का गर्भ गिर जाए तब 1 रात, 2 मास का गर्भ गिरे तब 2 रात। इस प्रकार जितने मास का गर्भ गिरे उतनी रात्रि अशौच होगा। इस प्रकार 50वां अध्याय समाप्त।